चलिए भाई, आज बात करेंगे बेटा अपन यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं जैसे आपका यहाँ पे, एक तो देखेंगे वाल्डन इन्वर्जन क्या है। दूसरा रेसिमिक मिक्सर क्या होता, फिर ऑप्टिकल आइसो मराई आइसोमर्स, ठीक है, और अनाइसोमर्स भी देख लेंगे। और डाइस्टीरियोमर्स ये बातें अपन करेंगे बेटा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है वाल्डन इन्वर्जन। ये वाल्डन इन्वर्जन किस में दिखता है? SN2 रिएक्शन में दिखता है। होता क्या है इसमें? ये आपका कोई एल्काइल हैलाइड है, और जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो SN2 में हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका फ्रंट अटैक नहीं कर पाता। जो फ्रंट अटैक है ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? ड्यू टू इफेक्टिव रिपल्शन। इफेक्टिव रिपल्शन के कारण फ्रंट अटैक नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो आपके पास जो हैलाइड है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो फ्रंट अटैक नहीं होता है आपका SN2 में। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है? आपका बैक साइड से। तो यहाँ पे बैक अटैक जो होता है वो पॉसिबल होता है। बैक अटैक में क्या करेगा, ये जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तब यहाँ पे एक्स जो आपके हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है वो आपकी इस साइड बेटा आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, जबकि प्रोडक्ट में ये क्या हो गए, राइट हैंड साइड में हो गए। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है आपका यहाँ पे अटैक करता है। ये कुछ इस तरह से है जैसे आप बरसात के टाइम पे बेटा अम्ब्रेला लेके चल रहे हो, और जैसे ही हवा तेज चलती है तो अम्ब्रेला जो है वो पहले कुछ ऐसा था आपका, ठीक है, ये आप हवा जैसे ही तेज होने लगी तो ये जो अम्ब्रेला वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, बैक साइड से जब अटैक करता है तो ये हाइड्रोजन जो है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, उसको शिफ्ट करवा देता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करने पर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आपका रिएक्टेंट जो है, अगर डी है, डी डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तब आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका कैसा बनेगा, एल बनेगा। अगर यहाँ पे आपका अगर रिएक्टेंट जो वो एल है तो ये आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। मतलब कॉन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल बिकम अपोजिट। ऐसे केस में हम जो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे आपका वाल्डन इन्वर्जन हुआ। वाल्डन जो है नेम ऑफ साइंटिस्ट था जिसने ये ऑब्जर्व करके देखा था कि ये आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्फिग्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्फिग्रेशन से जस्ट अपोजिट है। और ऐसा क्यों हुआ, जब उसने बताया कि जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है तो
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जो भी आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, उसके जस्ट रिपेल होके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे लेफ्ट हैंड साइड में, वो आपके यहाँ पे किस साइड आ गए, राइट हैंड डायरेक्शन में आ गए, जिसके कारण रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो आपके कॉन्फिग्रेशन है वो क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। इसी होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो कॉन्फिग्रेशन चेंज हुई है इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन मतलब उल्टा हो गया जस्ट उसके। खोजा किसने था, वाल्डन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। लैंग्वेज की फॉर्म में अगर लिखें तो इसको क्या लिखेंगे कि SN2 रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है तो उसमें वो अटैक कहाँ से करता है, बैक साइड से अटैक करता है। उस केस में यहाँ पे आपको जो कॉन्फिगरेशन मिलती है मॉलिक्यूल की, वो रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल से जस्ट अपोजिट होती है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक, लैंग्वेज देखें यहाँ पे कि व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड टू एल्काइल हैलाइड इन SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 रिएक्शन, देन कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल बिकम अपोजिट टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपली वाल्डन इन्वर्जन था। अब बात करते हैं रेसिमिक मिक्सर की। ठीक है, रेसिमिक मिक्सर होते क्या है, इसी के साथ साथ रिटेंशन भी देखेंगे, रिटेंशन क्या चीज आपका। ठीक, देखिए यहां पे रेसिमिक मिक्सर क्या चीज है कि ये आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। बनता क्या है यहां पे एक्चुअल में, ये जो प्रोसेस है वो आपका SN1 से जाता है, और SN1 में हमें पता है बेटा कि कार्बोकैटायन बनता है आपका। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, जबकि SN2 में आपका कार्बोकैटायन नहीं बनता। तो इसमें स्टेप फर्स्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। अगर इसकी मैकेनिज्म में आप जाते हो तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हम SN1 में क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज करता है, और ये प्रोटॉन जो हुआ एक्स को लेके चला जाता है। तो ये यहाँ पे जो एक्स है ये इसको लेके चला गया, और एच एक्स आपका यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे आपका जो बना है वो क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे बेटा, ये जो कार्बोकैटायन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी, तो सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, तीन सिग्मा है आपके। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है बेटा आपकी, कि SP2 है, तीन ही है तो SP2 होगी ऑब्वियसली। और यहाँ पे इसकी जियोमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। प्लेनर का मींस ये आपका क्या है कि सारे कैसे आ रहे एटम के आपके प्लेन में है, कुछ ऐसा है आपका कि
कि ये आपका मानिए सपोज ये कार्बन आपका, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका CH3 है और ये आपका CH3, ठीक है। मतलब ये जो एटम है वो सारे एक ही प्लेन में है। आप ये जो मेरा हाथ देख रहे हो, ये जो वो आपका एक प्लेन मान लीजिए, ये आपका क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे एटम जो है वो एक ही प्लेन में। अगर आपको यहाँ पे कहूँ तो आप क्या कहोगे, सर मेरे को कोई भी एटम नहीं दिख रहा एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एटम क्या है आपके, एक ही प्लेन में। अगर कोई एटम ऐसा होता, जैसे सपोज कीजिए वो एक एटम ऐसा है अभी आपके साइड दिख रहा है, और जैसे ही आप यहाँ पे इस प्लेन को ऐसे करते हैं तो ये एटम क्या हो रहा है, आपका प्लेन के आउटसाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर में सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो SN2 में दोनों ही पॉसिबिलिटी 50-50% होती है आपकी। आगे से अगर अटैक करेगा तो सीधी सी बात बेटा यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो आपका स्टेप सेकेंड है क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो कार्बोकैटायन है आपका, ठीक है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका कहां से अटैक करे। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास से दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, एक तो फ्रंट अटैक की है, ठीक है, और एक आपकी बैक अटैक की है, ठीक है। फ्रंट अटैक होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, जैसा आपका रिएक्टेंट था बेटा वैसा ही आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि फ्रंट अटैक में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने रिएक्टेंट डी लिया है तो प्रोडक्ट भी डी मिलेगा, अगर रिएक्टेंट आपने एल लिया है तो आपका प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, एल मिलेगा। एल स्टैंड फॉर लीवो रोटेटरी, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बात की थी डी और एल क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डी स्टैंड फॉर डेक्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और एल स्टैंड फॉर लीवो, बात करेंगे अभी भी लीवो रोटेटरी। बैक अटैक होगा तो बैक अटैक में क्या होगा, सारे के सारे एटम अपोजिट में चले जाएंगे आपके। अपोजिट में जाने से यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आपका अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, जुड़ेगा आपका। तो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो फ्रंट अटैक से जो आपको प्रोडक्ट मिला है उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन मतलब क्या होता है, कोई चीज अभी भी स्थिर है, कांस्टेंट है, रिटेन है, कि इसने कहा कि तूने अभी भी अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा है, रिटेन कर रखा है, या तूने अभी भी अपनी पढ़ाई को अभी भी मेंटेन कर रखा है, मतलब रिटेन कर रखा है, अभी भी उसने मेंटेन करके रख रखा है कोई चीज अपनी, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर लगेगा, मतलब बैक साइड से अटैक अगर होगा तो यहाँ पे ये आपका क्या बनेगा, वाल्डन इन्वर्जन बनेगा, वाल्डन इन्वर्जन बनेगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब आपका SN1 में दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं जो कि 50-50% होते हैं। 50% आपका क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, और 50% आपका कौन सा बनता है, वाल्डन इन्वर्जन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेंशन के बारे में अपन लिख लेते हैं, तो रिटेंशन क्या चीज है, देखिए कि व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम सेम साइड ऑफ हैलाइड दैट इज फ्रंट अटैक, इन दैट केस
इन दैट केस कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज डज नॉट चेंज सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज रिटेंशन प्रोडक्ट एंड दिस फिनोमिना फिनोमिना इज नोन एज रिटेंशन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिटेंशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो रिटेंशन में आपका क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन आपका एज इट इज मिलेगी, सी एस थ्री है, ये एच है, ये सी एस थ्री है, ये अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रंट अटैक से, तो यहाँ पे सी एस थ्री, ये एच, सी एस थ्री और ये न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये डी है तो ये एल डी ही मिलेगा, अगर ये एल है तो ये आपका एल ही मिलेगा। कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। रिएक्टेंट अगर आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिया तो प्रोडक्ट भी आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेगा, अगर रिएक्टेंट आपने लिवो रोटेटरी लिया बेटा तो आपका प्रोडक्ट भी लिवो रोटेटरी बनेगा। ठीक है, अब बैक अटैक से कर दिया तो आपका कौन सा हो गया? वाल्डन इन्वर्जन हो गया, जो कि अपना एसन टू में पढ़ लिया अपन ने। रिटेंशन में क्या हो गया? फ्रंट अटैक से किया, उसने अपने कॉन्फिगरेशन को मेंटेन करके रखा। तो इसका मतलब एसन वन में कुछ सीन ऐसा है जो मिक्सर है आपके पास, उसमें 50% तो क्या है? डी कॉन्फिगरेशन वाले मॉलिक्यूल हैं और 50% कौन सी हैं? एल वाले। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी पीपीएल लाइट होती है, यहाँ पे अपनी जो पीपीएल लाइट है बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट को कोई भी सॉल्यूशन में अगर पास करते हैं, अगर वो राइट हैंड साइड में मूव करती है, ये पीपीएल लाइट आपके राइट हैंड साइड में मूव कर जाती है इस सॉल्यूशन में से पास करने के बाद, तो इसको डी बोलते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव करती है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। ठीक है, तो डी और एल 50-50% है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि जो आपकी पीपीएल लाइट है वो 50% अगर आपकी राइट हैंड साइड में मूव कर रही है तो 50% आपकी किस साइड मूव करी बेटा? एल साइड, लेफ्ट साइड में मूव कर रही है। तो नेट जो मोमेंट है, नेट जो रोटेशन है वो कैसी है? जीरो है। जीरो का मीन्स यहाँ पे ये हो गया, अगर आपका पीपीएल लाइट कोई सॉल्यूशन में पास करी और एज इट इज आपकी ही यहीं पे, मतलब कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ उसका, तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली कैसी होती है बेटा? इनएक्टिव होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। ठीक है, और अगर ये रोटेट करवा दे तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। अभी नेक्स्ट इससे जस्ट इसका टॉपिक पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है वो आपके सॉल्यूशन कैसे हैं जिसमें 50% डी है और 50% कैसे हैं? एल है, मतलब नेट जो आपका रोटेशन है वो कैसा है? जीरो है। तो ऐसे मिक्सर आपके ऑब्वियसली कैसे होंगे? यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब जो आपका रेसमिक मिक्सर है जो वो आपका क्या है? ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सर है, क्योंकि यहाँ पे 50% तो आपके कैसे हैं? डी हैं और 50% एल हैं। तो जिस तरह से आपका यहाँ पे 50% अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो 50% लेफ्ट हैंड साइड में मूव करें, तो नेट चेंज कितना हुआ? नेट चेंज कितना हुआ आपका? जीरो हुआ। भाई ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक रस्सी है, इस रस्सी को यहाँ पे दो लड़के हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए ये वाला बंदा जो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी आपका 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? ये रस्सी एज इट इज यहीं पे रहेगी। अगर ये जो बंदा है आपका 7 न्यूटन का फोर्स अगर लगाता है, ये रस्सी को अपनी साइड क्या कर लेगा? खींच लेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी यही चीज लगेगी बेटा कि मोलिक्यूल जो है वो 50% आपके राइट हैंड साइड में मूव करते हैं और 50% आपके लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं, मतलब पीपीएल को मूव कराते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको मूव कराते हैं यहाँ पे। तो नेट जो रोटेशन है वो कितना हुआ? यहाँ पे कितना हुआ? जीरो हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके रेसमिक मिक्सर होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर के होते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सिंपल सी यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो डेफिनेशन यही लिखेंगे कि यहाँ पे कि SN1 में कार्बोकैटाइन जो है आपका बनता है, और वो कार्बोकैटाइन कैसा नेचर का होता है, ट्राइगोनल प्लेनर नेचर का होता है, और ट्राइगोनल प्लेनर नेचर होने से वो आपका फ्रंट अटैक भी करता है और बैक अटैक भी करता है। फ्रंट अटैक से रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है और बैक अटैक से आपका वाल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। रिटेंशन प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, जबकि वाल्डन इन्वर्जन में कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होती है। सो नेट चेंज विल बी जीरो, ठीक है। और सच टाइप ऑफ मिक्सर आर नोन एज रेसिमिक मिक्सर, ठीक है। सुनने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते, देखिए, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक, नहीं ऐसे करो, इसको देखो, इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटाइन विल बी फॉर्म्ड एंड इट्स जियोमेट्री इज sp2, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक बोथ साइड, दैट इज फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक, व्हेन इट अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड, then it will give retention product and their configuration will be same as such reactant. While nucleophile attack from backside, then Walden inversion product will be formed. And their configuration is just opposite to the reactant molecule. So we can say that net change in rotation of PPL, plane polarized light, will be zero. So such type of mixer or solution are known as racemic mixer. Are known as racemic mixer. ठीक है, तो ओवरऑल मोरल ऑफ स्टोरी क्या निकलता है यहाँ पे, रेसमिक मिक्सर कैसे होते हैं? तो रेसमिक मिक्सर आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, पहली बात। ऑप्टिकली कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव है आपके जो रेसमिक मिक्सर है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रेसमिक मिक्सर हो गया, रिटेंशन हो गया और वाल्डन इन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब हेडिंग लिख दो, ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन। कोई चीज पूछनी है तो बता दो बेटा मेरे को, पीछे वाली में चीज नहीं समझ में आई तो मेरे को बताओ, ठीक।
क्योंकि अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बात करेंगे, इसमें कायरल क्या होता है, ए कायरल क्या चीज़ होती है, पीपीएल लाइट क्या चीज़ आती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, लीवो रोटेटरी क्या है, सारी चीज़ बात करेंगे। क्या समझ में नहीं आया बताओ? ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या चीज है? देखिए, ऑप्टिकल नाम से पता चला, ऑप्टिकल रे आप पढ़ते हो, ऑप्टिकल फिजिक्स में आता कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है, वैसे आइसोमेरिज्म का टाइप होता है बेटा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे क्या चीज है कि सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा गया कि कोई कार्बन आपका, उसकी वैलेंसी अगर चारों की चारों डिफरेंट हो, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, अगर चारों की चारों वैलेंसी जो है वो आपकी डिफरेंट हो, सेम नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कायरल कार्बन है, जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कहने का अर्थ ये था, और जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। ऑप्टिकल कार्बन मतलब जो आपका कायरल कार्बन था, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे कार्बन और उसके ऊपर स्टार लगा के, ठीक है, सी स्टार। सी स्टार मतलब कायरल कार्बन है, मतलब आपका कायरल कार्बन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज यहां पे बताएगी पहले कि ऑप्टिकली आपका यहां पे ये चीज है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये कार्बन यहां पे एच सी एल बी आर और सी एस, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है उसकी चारों की चारों जो वैलेंसी है, मतलब जो जिनसे ये जुड़ा हुआ है, वो चारों की चारों क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है सी एल से, और सी एल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ब्रोमिन से अलग है, हाइड्रोजन से भी अलग है, इसी तरह से सी एस थ्री की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन तीनों से अलग है, जो ब्रोमीन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। तो ऐसा कार्बन जिससे चारों की चारों वैलेंसी आपकी क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते थे, कायरल कार्बन बोलते थे, और जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकल एक्टिव जो है वो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, ठीक है। ये चीज सबसे पहले इनिशियली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बताया गया था। तो इसको अगर हम लिखें तो लैंग्वेज की फॉर्म में क्या लिखें, सबसे पहले कि दोज मॉलिक्यूल इन विच कायरल कार्बन इज प्रेजेंट सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दे शो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, वो आपका क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे
सपोज कीजिए का आपके पास एक कार्बन ये है यहाँ पे और एक ये, ठीक है। चारों की चारों वैलेंसी अलग होंगी, वही आपका क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कायरल, नॉट चायरल, ठीक है। चायरल बोलते हैं कई बच्चे इसको, तो कायरल होता है। जो आपका सी होता है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो के की फॉर्म में होता है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, कायरल, कायरल कार्बन, ठीक। किससे डिनोट करते हैं कायरल कार्बन को, सी स्टार से, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो चारों के चारों वैलेंसी क्या है आपकी, सारे के सारे वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। जबकि इस केस में हाइड्रोजन है यहाँ पे और ये हाइड्रोजन, दोनों जो है सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो है वो आपका कायरल कार्बन नहीं है, इसको बोलते हैं ए कायरल कार्बन, ठीक है। इसको बोला जाता है ए कायरल कार्बन। और जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो आपका क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ए कायरल कार्बन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे, ये शो नहीं करेंगे। सबसे पहले इनिशियली यही डेफिनेशन दी गई थी आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ये बात अगर समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ते जाऊं, बताओ, बोलो। बात समझ आई तो बताओ बेटा। बस आपको वैलेंसी चेक करनी है, वैलेंसी चेक करके आप पता कर लो कितने कायरल है और कितने कायरल नहीं है, ठीक है। मतलब सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी होनी चाहिए। जैसे अब आपको यहाँ पे कैसे चेक करना है, हाउ वी चेक, हाउ वी चेक कायरल कार्बन, मतलब कायरल सेंटर आपके पास कितने हैं वो आपको कैसे चेक। जैसे आपके पास साइक्लोब्यूटेन है और यहाँ पे आपको कह दिया कि इसके अंदर आप ये बताइए कि कितने कायरल कार्बन हैं और कितने कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, कायरल कार्बन को चेक करने के लिए जब भी आपको कायरल कार्बन चेक करने हैं तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करिए कि आप दो कोई फ्रेंड हो, ये फ्रेंड फर्स्ट है और ये फ्रेंड कोई सेकंड है। सपोज कीजिए फ्रेंड फर्स्ट जो है इसका नाम है हेमंत, ठीक है, और सेकंड का नाम है दीपिका, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको भी चेक करना है अपने को, जिसका भी अपने को चेक करना है, यहाँ पे तो दिख ही रहे बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके, यहाँ पे हाइड्रोजन तीन होंगे बेटा, यहाँ पे भी तीन होंगे, ठीक है। तो हमें चेक करना है तो जो फ्रेंड है आपका ये फर्स्ट और ये सेकंड, आप क्या करो उसको वहां से जिस सेंटर का चेक करना है अपने को, कायरल सेंटर खड़ा कर दो और यहाँ पे आप क्या करो उसको मूव करना शुरू कर दो। ये जो फ्रेंड फर्स्ट था, इसका फ्रेंड फर्स्ट नाम है और इसका फ्रेंड सेकंड, जो भी आप नाम टेकना चाहो आप नाम टेक सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है, हेमंत है, और यहाँ पे दीपिका है। जो फ्रेंड फर्स्ट है वो ये बोलता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, CH2 है। जबकि ये यहाँ पे क्या बोलेगा, सर यहाँ पे मतलब हेमंत यहाँ पे क्या है, CH है केवल। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH2 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, CH है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका कायरल कार्बन है, हाँ या ना, ये आपका क्या है, कायरल कार्बन है। अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, F1 और F2 दोनों ही पहुंच जाओगे, तो इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सेम ही है। दोनों ने कहा कि यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या बोलोगे, CH2 CH2, दोनों ही क्या बोलेंगे, CH2 CH2।
इसी तरह से यहां पे आप जाओगे तो यहां पे आप इस साइड मूव करोगे और एक इस साइड मूव करेगा आपका, तो यहां पे आपका क्या क्या बोलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी एच टू है, यहाँ पे क्या बोलेगा सी एच है, इसका मतलब यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं आपके, दो है, कायरल सेंटर कितने हैं, दो है। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दो बंदों को जो भी आपकी फ्रेंड है उनके हाथ में वॉकी टॉकी पकड़ा दो, ठीक है, वॉकी टॉकी पकड़ा दो और वो कहता जाएगा तुम्हारी पोजीशन बताओ अब क्या चीज है। जैसे यहाँ पे मैं इसी को लेता हूँ, सपोज कीजिए, ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें आपको कायरल कार्बन चेक करना है, ठीक, मैंने यहाँ पे अब इस सेंटर को चेक करना है, जिस सेंटर को चेक करना है उनको दोनों साइड मूव करा दो, तो यहाँ पे आपको ये खुद दिख भी रहा होगा ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है भी नहीं आपका यहाँ पे कायरल कार्बन, क्योंकि यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपका कायरल कार्बन नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है बेटा। जिसमें आपको डाउट लगता है उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दो बच्चे हैं मतलब आपके दो फ्रेंड हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सीएल है और यहाँ पे आपका बी आर है, सपोज कीजिए, ठीक है, अब आपको चेक करना है कि मेरे कायरल कार्बन कितने हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि कार्बन जो हो चार बॉन्ड बनाएगा। अब मैंने यहाँ पे फ्रेंड फर्स्ट को और फ्रेंड सेकंड को भेजा, वॉकी टॉकी उनके हाथ में पकड़ा दी मैं, अब ये कहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है ये दिख रहा है कि यहाँ पे होने चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच टू है, यहाँ पे एच टू है, पर आपको जब तक चलते जाना है जब तक आपके दोनों फ्रेंड मिल ना जाए, दोनों फ्रेंड मिल ना जाए, तो यहाँ पे सेंटर को चेक करना है कि कायरल है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक को तो इस साइड भेज दिया और एक को इसको डाउन नीचे भेज दिया, वॉकी टॉकी पकड़ा दी, और मैंने बोला कि अगले कार्बन की पोजीशन बताओ, ये बोला सी एस टू एफ वन, एफ टू बोला सी एस टू, दोनों की पोजीशन सेम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, आगे चलते जाओ, जब तक चलते जाना जब तक वे यहाँ पे आपकी चेन खत्म ना हो जाए, लीनियर होगी तो चेन खत्म हो जाएगी, साइक्लिक है तो आपका जब तक चलाना है जब तक वे आपकी मिल ना जाए। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दोनों ही बोलेंगे यहाँ पे सी एच बी आर, यहाँ पे यही तो बोलेंगे सी एच, मतलब यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दोनों हैं वो आपके एक ही पोजीशन पे मिल चुके हैं।